महिला को बंधक बनाकर रखा, पुलिस ने छुड़वाया, पहने हुए सोने के जेवर भी रख लिए। उचित कार्रवाई न होने पर एसपी से लगाई गुहार। शिवपुरी जिले की खोड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम वक्सनपुर में महिला को बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। खोड़ चौकी पर सुनवाई न होने के बाद पीड़ित महिला ने आज एसपी शिवपुरी से न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार जय कुंवर पाल पत्नी हरभजन पाल निवासी वक्सनपुर साथी चौकी खोड़ ने बताया कि 1 अगस्त को सुबह 10 बजे पति हरभजन कुआं पर जा रहा था, तभी गाँव के ठाकुर समाज के लोगों ने रंजिश के चलते गालियां दी। इसके बाद माखन व उसकी पत्नी सुमन, मलखान व उसकी पत्नी पवना, रामदास व उसकी पत्नी विशाल व उसकी पत्नी उमा तथा मिथिला पत्नी सीताराम एवं निशा पत्नी संजीव समस्त निवासीगण ग्राम वक्सनपुर सभी लोग आए और घर के अंदर घुसकर मुझे घसीट कर अपने घर में ले जाकर बंधक बनाकर सभी ने एक राय होकर मारपीट कर दी। तभी पति ने 100 नंबर को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आकर दोपहर 1 बजे मुझे उनके कब्जे से मुक्त कराया, पहने हुए सोने के गहने भी छीन कर रख लिए और जान से मारने की धमकी दी। वहीं खोड़ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई न करने के आरोप महिला ने एसपी से लगाया है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? जय कुमार। क्या नाम है आपका? जय कुमार। कहाँ से आए हो? बक्सनपुर से। क्या हुआ है? जैसे आपके पास आवेदन नहीं आई थी, क्या हुआ है? जो हुआ है कि हम मेरी मार पीट करी जेठन ने, ससुरन ने, दीराई जेठन ने, सासन ने। क्यों की है मारपीट आपकी? मारपीट बनने जो करी के 11 तारीख में जिनने ठाकुर के छेड़छाड़ करवा ली थी मेरी, सो छेड़छाड़ के चक्कर में जी एक पांटी की सब है। सो ठाकुर ने सोची के जिनने हमने उसकी रिपोर्ट डाल दी, रिपोर्ट डाल दी, सुबह ने कह दी कि जाने मेरी रिपोर्ट क्यों करी। सुबह कल लड़ भी आ गए, हम घर बतरा रहे थे कि हमें गैर रोक रहा है, हमें कड़न नहीं दे रहा है, सो हम खुड़ जा रहे हैं, हमें पर घर बतरा रहा है। सो जी बोले हमसे के छाती ठोका था गई पूरी लड़ने के लिए, कहते सास आए देव जेठा है ससुर आए, फिर बिन्ने का पॉइंट फ्यो लड़े बहाने पे कहते मेरी बाखर बिगड़े, बाखर को बहानो। सो मैंने जाके दी कि मैं तुम्हारी बाखर नहीं बिगड़े, तुम तो इना से बैठ रही, सो तुम मेरी इना से ले लो। सो मुझसे बोले पकड़ के ले गई मुझे, घसीटी बिन्ने गली में से घसीट के ले गई। सो मेरी मारपीट करी बिन्ने, गेट लगा लाए सब रहे के, अकेली मुँह ले गई अंदर। कितने लोगों ने मारपीट किया? पवना ने, उमा ने, सुमन ने, निशा ने, मिथिला ने और श्री ने, विशाल ने, माँ खंसी ने, मल खान ने, रामदास ने। तो ये आपके रिश्ते में कौन कौन लगते हैं? जेठ लगत, सास लगत, हमारी दीराई जेठाई लगते हैं। मतलब और आपकी छेड़छाड़ हुई थी वो किसने की थी, वो कौन ने करवाई? ठाकुर ने, जिन्हें ने करवाई थी। ठाकुर कौन है? चौहान। किस विषय को लेकर उन्होंने वो छेड़छाड़ करवाई थी? उसकी तो मैं रिपोर्ट नहीं कम्प्लीट की दी थी। हाँ लगाओ तो कल 100 नंबर ही आई थी, जब जिनने 9 बजे से बांधे बांधे मारा तो मारा 100 नंबर ही आई थी, सब उठा ले गई थी पूरी भिंजी भिंजाई बनाई की बाखर में। चोटे तो पूरे अंग में, तुम तो देख लो पूरे अंग में। थाने में गए तो थाने में गए थे तो थाने में भी सुनाई की नहीं कर रहे, कह रहे थे भाई घरे जाओ और कुछ नहीं लिख रहे थे बाप है रिपोर्ट पे। और जब मोड़ा है मारो बिन्ने जो जल उठ गए जाए भी लड़के को मारो। लड़की रो रही थी छोटी छोटी सी, 1 12 साल की है, 1 10 साल की है, भी रो रही थी। सो उमा ने और पवना ने भी मोड़े ने मारी छोटी छोटी। आपने कंप्लेंट नहीं की थी, रिपोर्ट नहीं की थी वो, उसने तो छेड़छाड़ की थी आपके साथ? कई करी थी। उस पर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं भाई कार्रवाई, हाँ कोर्ट में पहुँच गए थे, कई कोर्ट से यहाँ कार्रवाई जो बोल रही थी मैंने। नहीं करवाई थी, नहीं ना करवाई थी। और ये कई चक्कर में अब मैं जो चाहती हूँ जी जेल जाए, जो चाहती हूँ कार्रवाई चाहती हूँ। हाँ कार्रवाई चाहती हूँ।